हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पीछे वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 तक का पहुंचे थे। इस क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा जो क्वेश्चन था वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड था, और उसमें जो मैंने फार्मूला लिखा था पॉपुलेशन जेनेटिक्स का वो कंप्लीट नहीं था। ये कंप्लीट फार्मूला ये है आपका पी स्क्वेयर टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल टू वन। मतलब ये किसी पॉपुलेशन में जीन्स की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि किसी भी जीन्स का टू डिफरेंट फॉर्म होता है, एक डोमिनेंट फॉर्म और दूसरा रिसेसिव फॉर्म, ठीक है, या जिसको अपन क्या है एलील के नाम से जानते हैं, पेयर ऑफ जीन्स। तो यहां पर क्या है आपका, एक जीन्स आपका पी है और दूसरा जीन्स क्या है आपका क्यू है। ये दो जीन्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये एक फार्मूला है। इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब तीन क्वेश्चन यहां पर बनता है, एक आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स संबंधित कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हार्डी विनबर्ग, या पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो फार्मूला है ये कौन सा फार्मूला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपको रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड है, जो मेंडल लॉ हम पढ़ते हैं, मेंडल के नियम। तो मेंडल लॉ में हम यही पढ़ते हैं आपका कि क्रॉस बिटवीन ए फॉर्म जनरेशन एंड देयर रिसेसिव पेरेंट्स। मतलब ये आपका क्या है कि भाई ए फॉर्म जनरेशन, ए फॉर्म जनरेशन ने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किससे कराना है यहां पर आपका, ये रिसेसिव पेरेंट के साथ यदि क्रॉस करा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं यहां पर टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस बिटवीन ए फॉर्म जनरेशन एंड देयर रिसेसिव पेरेंट्स इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन ए फॉर्म क्रॉस विद रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स इट इज कॉल्ड एज, तब आपको ध्यान रखना है, रिसेसिव होमोजाइगस लिखा हुआ है तब आंसर क्या देंगे यहां पर, ध्यान रखना है आपका टेस्ट क्रॉस। और यदि ये हम बोले कि आइदर रिसेसिव पेरेंट्स और डोमिनेंट पेरेंट, मतलब ए फॉर्म जनरेशन का क्रॉस या तो हम अप्रभावी जनक के साथ करा रहे हैं या प्रभावी जनक के साथ करा रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है बैक क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस में हम बाउंडेड हैं कि ए फॉर्म जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ ही कराना है, लेकिन यदि ए फॉर्म जनरेशन का क्रॉस हम किसी के साथ भी करा रहे हैं वो कंडीशन कहलाती है आपका बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जिसने मेंडल्स लॉ को पढ़ा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये रिलेटेड है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया इज अडॉप्टेड इन विच ईयर। भारत में जो प्रथम वन नीति है वो कब स्वीकार की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है 1894। इसमें स्पेशली YouTube में आप मेरा दो वीडियो को देखेंगे जिसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन करके है, उस दो वीडियो से मान के चलना कि कम से कम तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। उसमें इसी टाइप का है कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई, सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी के मेन मेन क्या पॉइंट थे, तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। तो वो YouTube में दो वीडियो डाला हुआ है, उसको 100% देखिए, मिनिमम तीन क्वेश्चन वहां से आपको मिलेगा ही, ये ध्यान रखिए। चलिए तो यहां पर हमारा 25 का आंसर हो रहा है बी 1894। नेक्स्ट आइए, अलाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपन बोलते हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ ऑप्शन में इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स आपको मालूम है ये आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा आपको लिख रहा है यहां पर आइसोबार, तो आइसोबार क्या होता है आपका, भाई ऐसा क्षेत्र जहां पर वायुमंडलीय दाब समान होता है उसको आइसोबार कहा जाता है। उसी तरीके से यहां पे आपका आंसर बन रहा है ये डी वाला आंसर बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना है आपका, ये आइसो हाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब समान वर्षा का क्षेत्र, ठीक है। मतलब क्वेश्चन दिया है अलाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे समान बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं हम आइसो हाइट शब्द को इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका 26 का हुआ आपका आइसो हाइट। जैसे बोलते हैं कि मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं कंटूर लाइन। तो वैसे ही आपका समान वायुमंडलीय दाब वाला क्षेत्र कहलाता है आइसोबार, और समान वर्षा का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आइसोहाइट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपका डी वाला आंसर हुआ, यहां पर आइसोहाइट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप इसके बाद लीजिए क्वेश्चन आपका 26 के बाद हो गया आपका 27। एस पर जीओआई, ये आपका जीओआई, जीओआई क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई
क्या है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस पर GOI नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, कि आपको मालूम है ये गंगेटिक डॉल्फिन, क्या है आपका ये गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसी को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है, ठीक है। 27 का आंसर हुआ आपका सी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 28, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स एम्बिशिएंट वेजिटेशन इज नोन एज, मतलब नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि मानव और उसका पौधों के साथ या वन के साथ जो संबंध है, भाई आपको मालूम है कि मानव का जो विकास हुआ है तो उसकी जो संस्कृति है, उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सभी वनों के साथ जुड़ी हुई हैं, और साइंस के ब्रांच कहलाती है एथनोबॉटनी के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं ध्यान रखना है आपको, यहां पर एथनोबॉटनी के नाम से जाना जाता है, ये हमारे सिलेबस में भी ये ध्यान रखेंगे कि मानव का वन के साथ जो संबंध है या वेजिटेशन के साथ ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है उसको एथनोबॉटनी कहा जाता है। 28 का हो गया ए एथनोबॉटनी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29, मिक्सचर ऑफ हर्रा बहरा एंड आमला, वेरी इंपॉर्टेंट, हर्रा बहरा आमला जिसको अपन त्रिफला के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं इसको अपन, ये त्रिफला के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे यहां पर। तो ये हुआ आपका, जैसे अपन बोलते हैं ये आपका हर्रा, दूसरा क्या होता है आपका ये बहरा, और तीसरा क्या होता है आपका ये आंवला। तो ये जो हर्रा है, हर्रा का साइंटिफिक नेम ध्यान रखना आपका, ये साइंटिफिक नेम आपको जानना पड़ेगा टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया छेबुला। बहरा का साइंटिफिक नेम है आपका टर्मिनेलिया बेलिरिका, इसका साइंटिफिक नेम क्या है टर्मिनेलिया बेलिरिका। और ये आंवला, आंवला का साइंटिफिक नेम है ध्यान रखना है आपको ये एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ये क्या हो गया आपका एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। तो ये जो तीन फल हैं, ये तीनों फलों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है त्रिफला, इसी से बनता है आपका त्रिफला चूर्ण बनता है, ठीक है। मतलब ये जो आंवला है, हर्रा बहरा, इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये तीनों फल का जो मिश्रण है इसकी वैल्यू अमृत के समान इसकी वैल्यू है, आयथान में, तो इसको त्रिफला के नाम से जाना गया। और स्पेशली आंवला को आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है आंवला, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 30, द फेलिंग इन हिज इज जनरली कैरिड आउट इट, भाई जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में जो चट्टान वगैरह गिरती हैं तो वो डायरेक्शन उनका क्या होगा, तो भाई जो भी वहां पर लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहा है, ठीक है, भूस्खलन जिसको बोलते हैं अपन, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ये टॉप ऑफ हिल्स स्लोप, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र का टॉप रहेगा वहां से ढलान की तरफ उसका फ्लो होगा, ध्यान रखेंगे। तो ऐसी जनरल क्वेश्चन है, द फेलिंग इन हिल्स इज जनरली कैरिड आउट इट, तो आपको ध्यान रखना है टॉप ऑफ हिल स्लोप, पहाड़ी जो ढलान का टॉप होता है वहां से वो नीचे की तरफ गिरता है, ये ध्यान रखेंगे। 30, उसके बाद 31 है एगार ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगार ऑयल किससे प्राप्त होता है, यहां पर क्वेश्चन है आपका, ये हो गया क्या एगार ऑयल प्राप्त होता है किससे, ध्यान रखना यहां पर प्लांट का नाम है एक्विलेरिया एगोलोचा, ठीक है, प्लांट का नाम क्या है यहां पर ध्यान रखना है एक्विलेरिया एगोलोचा, ठीक है, ये हो गया आपका AGALOCHA, ये हो गया ठीक है एक्विलेरिया एगोलोचा। इसकी जो रूट होती है, इसकी रूट से अपने को प्राप्त होता है क्या चीज, ध्यान रखना है ऑयल की प्राप्ति होती है, ठीक है, एगार उड के नाम से भी इसको जाना जाता है, एगार ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो यहां पर ध्यान रखेंगे एगार उड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ये आपका रूट है या नहीं कंफर्म मैं नहीं हूं, नेक्स्ट उसमें क्लियर करूंगा कि प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, लेकिन इसको अपन जानते हैं किस नाम से ध्यान रखना है, ये एगार उड के नाम से जाना जाता है, तो एगार उड इससे प्राप्त होता है एगार ऑयल, प्लांट का नाम याद रखेंगे एक्विलेरिया, पूरा नाम नहीं भी करते हैं तो आपका फर्स्ट पार्ट को भी करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 32, रूट्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट है जिससे अपने को ऑयल की प्राप्ति होती है, तेल की प्राप्ति होती है,
तो यहां पर जो एसेंशियल ऑयल अपने को मिलता है, पहले तो आप इसका साइंटिफिक नेम देखिए, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन ये वेटिवर, पूरा नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, वेटिवर इसको बोलते हैं, वेटिवर जेजनाइट्स, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ये वेटिवर जिजेनाइट्स के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक। तो इसी को जनरल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये खस के नाम से जाना जाता है, किस नाम जानते हैं इसको अपन, ये खस के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो गर्मी के समय में अपन जो बर्फ का गोला खाते हैं, तो बर्फ का गोला खाते हैं तो जो बर्फ बेचने वाला रहता है वो अलग अलग प्रकार का सेंटेड आइटम रखा रहता है, उसी में लिखा रहता है आपका खस, ठीक है। ये जो खस है इसी को अपन क्या है यहां पर वेटिवर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर 32 का मिल रहा है, रूट्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, हमारा आंसर इसका बना ए वेटिवर। वेटिवर मतलब क्या, इसको खस के नाम से अपन जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 33। ग्रोइंग ट्रीज अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर क्रॉप इज नोन, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, एग्रोफॉरेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आज यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 33 तक का पहुंच गए हैं, ध्यान देना क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में है, ये फॉरेस्ट्री का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चन को यहां पर हम कंटिन्यूअस एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो इसके जो पूरे वीडियोज हैं इसको आप कंटिन्यूअस देखिए, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि मोर देन 5 to 6 क्वेश्चन इस पेपर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आप अंजाम दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।